एकदम से ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। ध्यान तो मैंने पहली बार आपकी मम्मी के हाथों में खाई थी। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू कपूर फैमिली व्लॉग्स। और ये संडे वाले दिन का वीडियो है। तो बस सुबह का टाइम हो रहा था, शायद 9 बजे का टाइम था, पूजा वगैरह हो गई थी मेरी। और यहाँ पे अभी काव्य कर रहा है पढ़ाई, क्योंकि उसे ना अपना होमवर्क वगैरह करना था, तो वो अपने आप ही उठ गया था जल्दी। याना तो अभी सोई हुई थी, तो मैं अभी ना थोड़ी जल्दी उठाती भी नहीं, क्योंकि फिर स्कूल खुल जाएंगे, फिर तो जल्दी उठना ही है। और रात को इनको सोते हुए भी ना लेट ही हो जाता है थोड़ा सा। तो ये गए हुए थे नहाने के लिए, तो मैंने यहाँ रख दी थी चाय, क्योंकि फिर नहा के आओ ना ऐसा लगता है बस जल्दी से चाय वगैरह मिल जाए सर्दी में, तो क्योंकि ठंड तो बहुत ज़्यादा ही हो रही है। तो चाय बनाऊंगी और साथ ही ना मैं नाश्ता भी साथ ही बना लूँगी, क्योंकि अगर कावे सोया होता ना तो हम फिर चाय पीते हैं, थोड़ी देर में नाश्ता करते हैं। पर आज ना मुझे बनानी थी मेथी वाली परौंठी बनानी थी। एक तो होता है ना कि हाँ आटे में गूंद के, वैसे नहीं हम लोगों को ना ऐसे अच्छी लगती है जो सब्जी बनी होती है ना, उसको फिर उसकी बनाती हूँ मैं। और मेथी ना मैंने सैटरडे को बनाई थी, तो बस अब ये परौंठी बनाऊंगी। और पहले तो मेरे से ना बिल्कुल सही नहीं बनती थी, ख़राब हो जाती थी, क्योंकि सब्जी जो होती है ना वो फिर थोड़ा सा फटने का डर रहता है तो रोटी का ना, तो पर अब मेरे से सही बनने लग गई है, नहीं तो शुरुआत में तो मेरे से सही बनती नहीं थी। और हमें ऐसी वाली परौंठी अच्छी लगती है, मेथी वाली। और काव्य आज फर्स्ट टाइम खाएगा, देखते हैं खाता ही नहीं खाता। बन गई पूरी, तो मैंने पहली बार आपकी मम्मी के हाथों की खाई थी। सास की याद आ गई देखो आज। क्या कभी कभी याद आ भी जाती है ना। नहीं मम्मी, मेरी मम्मी ही बनाती है, लेकिन मैं पहले नहीं खाती थी। अब नई नई शादी हुई, अब मुझे लगा मना भी नहीं कर सकती, इसलिए मैंने जब खाई पर मुझे अच्छी लगी। अब अपने घर में तो नखरे चल जाते हैं ना, नई नई शादी में नखरे नहीं चलते, पर लेकिन बहुत अच्छी बनी थी जब से मुझे खाने की आदत पड़ गई। बता दोगे सबको कौन सी है ये? है? कौन सी? हाँ हाँ बताया मैंने, मेथी वाली। और स्टील के गिलास में चाय, साथ में ये मेथी वाली परौंठी और स्टील के गिलास में चाय, क्योंकि हमारी शादी हुई थी दिसंबर में और उसके बाद ठंड बहुत होती थी, तो मम्मी बना के देती थी। उसका ठंड क्या होती? ठंड होती नहीं, उसमें ठंड होती थी। मतलब ठंड होती है। तो जो अभी हम कर रहे हैं वो क्या ठंडी है सारी? अब तो इस बार तो ठंड है ही है ज्यादा। कल 6 डिग्री टेम्परेचर था, इस बार तो ठंड बहुत ज्यादा। पर ये कि पहले जैसे दूध तो मनाली में नहीं था इतना। हाँ जब हम गए थे जब नहीं था। चलो अभी बन गई, आप ये लो, आप खाओ गरम गरम। और अभी ना याना भी उठ गई है, याना नाश्ता कर रही है, और इसको फिर से खांसी हो गई है। फिर से तबीयत खराब हो गई याना की, और अभी तो यही चलेगा मुझे लग रहा है पूरी सर्दी। और बस मैं अपना नाश्ता भी ले आई, उसके बाद ही काम शुरू होगा। देखो आप लोग भी आ जाओ खा लो। और पहले ना मेरे से ना मेथी वाली परौंठी ना बनती नहीं थी, मैं बहुत मुश्किल से बनाती थी, पर अब तो बनने लगी। और आज बच्चों ने भी खा ली, कावे ने तो खाता नहीं है, उसने भी खा ली। याना खा लेती है, कावे तो नखरे करते, पर उसने भी खा ली। और जब कावे होने वाला था ना, तब मैंने जब हॉस्पिटल जाने लगी थी, जब भी मैं मेथी वाली रोटी खा के, नहीं मेथी की सब्जी और रोटी खा के गई थी, मुझे आज भी याद है। और ये भी अभी चाय पी रहे हैं। हाँ खाई तो भाई के टाइम थी, याना की फेवरेट है, याना सारी चीजें खा लेती है, याना बहुत अच्छी बच्ची है। और अभी नाश्ता वगैरह ना हो गया, और जब तक ये काम पे नहीं जाते ना, मेरा खुद ही काम करने का दिल नहीं करता। और ये देखो रात को ना मेरे लिए ना लेके आए ये पैरों में डालने के लिए, क्योंकि अब आ गया बुढ़ापा आ गया मुझे। इतनी जल्दी बच्चे अभी छोटे छोटे, और देख लो बूढ़ी हो गई हूँ मैं। ये है घुटनों में ना डालने के लिए, क्योंकि ना ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है, तो घुटनों में ना मेरे बहुत ज़्यादा दर्द शुरू हो गया। तो फिर मम्मी का ना फ़ोन आया था मेरी, तो उन्होंने ना ये लेने के लिए बोला। और मैं ना कितने दिन हो गए थे वो बोल रही थी, और मैं आज कल करे जा रही थी, तो मम्मी ने कल बोल दिया कि हमारे घर के नीचे से ही मिले ये। मम्मी कह रही तुम्हारे घर के नीचे दुकान है, वहाँ से मिल जाएंगे। और फिर कल रात को ये लेके आए, और
ये हमेशा फोन में लगे रहते हैं, कभी मेरे को अपने पास बिठा लेते हैं कि अभी मत उठ, काम मत कर जब तक मैं आऊँ, और खुद फोन में लगे रहेंगे, है ना। सही बोला, सही बोला। और ये नहीं चाहते कि इनकी पत्नी बूढ़ी हो जल्दी से, जब तो मेरे लिए ले आए, देखो कितना सोचते हैं मेरे बारे में, है ना, ध्यान रखते हैं मेरे। क्योंकि कल था शनिवार, हम लोग गए थे मंदिर, बच्चे तो घर में ही थे, मैंने इनको एक बार बोला सुनो मुझे गोलगप्पे खाने हैं, और याना की शक्ल, और हमने खाए कल गोलगप्पे, बच्चे घर में थे, इतने दिन हो गए थे गोलगप्पे खाए नहीं थे, दिल कर रहा था। याना का बैंड बाजा बज गया बस। अभी ओ फोन गिर जाएगा। गरम है, गरम है। सॉक्स भी वो गई और ये भी, ये सही है, सही है। एक पीस दो निशान लग गए तेरे तो, तीन तीन ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, ये भी ब्लैक, सही है, सारी ब्लैक ब्लैक वाले में ना, बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है, बहुत मुश्किल है। फिर दोनों बच्चे ना ट्यूशन से भी आ गए, और मेरा काम वाम भी हो गया था, और सच में इतनी ठंड लग रही है ना, ठंड ना कुछ ज्यादा ही हो रखी है इस बार तो, बहुत ज्यादा। में भी आ रहा था दिल्ली में, बहुत ज्यादा ठंड हो रही है सारी जगह से, ज्यादा कहाँ से, हिमाचल, मनाली, शिमला, सारी जगह से ज्यादा। और कावे बोल रहा था बस बर्फ पड़ने बाकी है, बर्फ पड़ जाए तो मजे ही आ जाएंगे, कहीं जाने की जरूरत नहीं, दिल्ली में ही बर्फ पड़ जाए। और याना देखो, याना चला रही है साइकिल, अपने अंदर ही साइकिल चला रही है, और मैं बना रही थी सब्जी, बस तड़का लगाना। अभी थोड़े से ना छोले रखे हुए थे, दिखाऊं आपको थोड़े से, ये छोले रखे हुए, क्योंकि शनिवार को ना मैं बनाती हूँ ना, हम लोग लेके जाते हैं मंदिर ना, तो वो फिर थोड़े से मैंने रख लिए थे, अब इसी को तड़का लगा लूँगी, उसके बाद देखती चावल बनाऊँगी या रोटी बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाती हूँ। तो चलो जल्दी से बना लेती हूँ, बच्चों को भूख भी लग रही है। A few moments later. अभी मजा आएगा ना भिड़ो। और अभी ना शाम का टाइम हो गया, शाम क्या क्या रात ही हो गई है, 8:15 बज गया। यहाँ देखो क्या हो गया, दूध उबल गया। दूध रखा हुआ था, मैं खड़ी इधर ही थी, पर ध्यान ना मेरा कहीं और था। मैं आपको दिखाऊँ ये क्या कर रहे हैं अभी यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे लगाई हुई है, अभी बट्टी लगाई हुई है, बच्चे इतने दिन से बोल रहे थे तो आज नंबर आ गया, अभी आए काम पे से, कोयले कितने दिन से ला के रखे हुए थे, पहले उन्होंने सोचा था 1 तारीख को लगाएंगे, पर अब नहीं किया, अब आज लगाया। और ये देखने के चक्कर में ना कावे मुझे दिखा रहा था, और मैं इधर ही रसोई में खड़ी हुई थी, एकदम से ध्यान हटा, दुर्घटना घटी, ध्यान हटा, दुर्घटना घटी। देखो यहाँ मैं सारा साफ करूंगी, और ये मैंने ना दोपहर में ही मैरिनेट कर लिया, दोपहर में क्या 5 बजे के करीब किया होगा, मैरिनेट करके रख दिया था, तो बस 3-4 घंटे में हो गया, फ्रीजर में रख दिया था मैंने, थोड़ा सा वही हो गया, बाहर निकाल के रखा है। तो पहले साफ करती हूँ सारा, सब्जी तो बनी हुई है, थोड़े से चावल बनाऊंगी छोलों के साथ। अभी शेफ मिस्टर कपिल कपूर सारे काम सारे एक साथ हुआ हो गया, अब सही हो गया। और अभी बच्चों ने ना थोड़ा सा खा लिया है, और अभी दूसरी बार कर रहे हैं, और बीच में ना इन्होंने प्याज लगा दी, नहीं तो ये ना टिक नहीं रहे थे ऐसे। शिमला मिर्च भी थी, पर मैंने फिर वो यूज नहीं करी, क्योंकि बच्चे खाते नहीं, वेस्ट ही जाती। और अब सही हो रहा है एकदम। आप लोग भी खा लो ठंड के मजे, जो जो खाते हैं। हाँ वेज वाले मशरूम चाप कुछ भी कर सकते हैं, करना था, लेकिन ये बच्चे खुश होके खाते हैं। हाँ ये बड़ी मुश्किल से जलती है। और अभी चावल बन गए थे, और ना शाम के टाइम चावल बनाए थे, तो मैंने इसलिए ना आज इसमें थोड़ा सा ना देसी घी डाल दिया था, और मोटी इलायची और काली मिर्च डाली थी, ताकि ना ये फिर मुझे बोलते हैं कि रात के टाइम ना ठंड में चावल नहीं बनाने, तो मैंने इस तरीके से बना लिए।
ताकि ठंड भी ना लगे, क्योंकि ना हमने 2-3 बार छोले बनाए काले वाले, उसके साथ रोटी बनाई थी ठंड की वजह से, तो आज चावल खाने का दिल कर रहा था। तो बस दोनों बच्चे खुश हो गए थे, दोनों अभी बैठे हुए अंदर पापा के साथ। तो चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। तो प्लीज़ वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाय।